नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो इस बार मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि जो आरजे 45 केबल है वो कैसे लगाना है। तो ये है आरजे कनेक्टर, ये कैट 6 केबल, इसमें कलर कोड है, और ये है प्लायर जिससे हम आरजे 45 को क्लैंप करेंगे। तो सबसे पहले क्या करना है, हम वायर कट कर लेते हैं। ये देखिए, तो प्लायर में ये जो हिस्सा है यहाँ पे, ठीक है, ये देखिए यहाँ पे ये वायर कट करने के लिए। तो सबसे पहले क्या है, हम वायर को हल्का सा ऊपर कट कर लेंगे। ठीक है, तो ये देखिए चार कलर हैं इसमें, चार अलग अलग कलर के वायर हैं। उसके बाद क्या है कि बीच में जो है इसका इनका उसको काट के अलग कर लेते हैं। तो ध्यान रखिएगा इस टाइम पे कोई भी दूसरा जो काम का वायर है वो ना कटे। ये चार कलर है, इसमें कलर कोडिंग रहता है। तो सबसे पहले रहता है ब्राउन, उसके बाद रहता है ग्रीन, उसके बाद रहता है ब्लू, उसके बाद रहता है ऑरेंज। ये चार कलर है इसमें, तो हम सबसे पहले जमा लेते हैं। तो देखिए पहले से एक है, तो ये वायर है जो जमा हुआ है। तो आइए हम पहले देखते हैं कलर कोडिंग के अकॉर्डिंग ये कैसे जमेगा। तो सबसे पहले रहेगा ब्राउन, तो इसमें ये देखेंगे कि दो कलर हैं, एक तो ब्राउन है और एक वाइट में हल्का सा ये ब्राउन टाइप का है ये। तो ये इस तरह से ये एक कलर के दो दो हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम ब्राउन को रखते हैं, उसके बाद हम ग्रीन लगाते हैं, ब्राउन के बाद आता है ग्रीन। एक ऑर्डर है, हम उसको उसी ऑर्डर में ही लगाएंगे। पहले कलर रहेगा, कलर के बाद उसका वाइट एंड मिक्स कलर रहेगा। अब यहाँ पे देखिए एक और चीज़ है, जो ब्लू है वो ग्रीन, दोनों वाइट ग्रीन के बीच में आ जाएगा, दोनों ब्लू। तो हम सावधानी पूर्वक क्या करेंगे, ब्लू को ग्रीन के बीच लगा देंगे, और उसके बाद जो ऑरेंज पोर्शन है वो इस ऑर्डर में आ जाएगा। तो ये देखिए दोस्तों कि ये कलर कोड में अरेंज हो गया है, ब्राउन, वाइट ब्राउन, ग्रीन, उसके बाद ब्लू, उसके बाद है ब्लू वाइट, उसके बाद है ग्रीन वाइट, उसके बाद ऑरेंज, उसके बाद ऑरेंज वाइट। तो ये ऑर्डर जम गया है। उसके बाद ये जम गया, उसके बाद क्या करना है हमको, जो केबल है आरजे 45 कैम्प, इसमें क्लैंप करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, इसको ये केबल है, हम इसको नाप लेंगे ये इस तरीके से। नापने के बाद क्या करेंगे, जितना लेंथ है ये उसके अकॉर्डिंग क्या करेंगे, यहाँ पे हम पेन से मार्किंग करके लाइन ले लेंगे जहाँ से हमको इसको काटना है। तो सबसे पहले फिर से ध्यान रखेंगे, काटने से पहले कलर कोडिंग वाइज आप इसको एक बार पकड़ लीजिए। तो ये क्या होता है, कलर कोडिंग आप मिक्स किए तो फिर हल्का सा भी छोड़े तो कलर कोडिंग इधर उधर मिक्स हो जाएगा और आपसे गलती हो जाएगी। ये आपने पकड़ लिया, उसके बाद फिर ये यहाँ पर नीचे कटर रहता है, तो ये आप नीचे रख लेंगे जो लाइन है, ऊपर ये कटर रख के इसको काट लेंगे ये कट गया। अब ये पूरा देखिए एक समान है, ये अप डाउन नहीं है। अब आता है क्लैंप, ये आरजे 45 क्लैंप। अब क्लैंप को हम लगाते हैं यहाँ पे, ये ऊपर है देखिए, हम इसको नीचे रखना, ये हिस्सा हम अंदर घुसा रहे हैं, तो हम ये हिस्सा अंदर घुसाएंगे। घुसाने के बाद इसको जाए के अच्छे से इसको टाइट करना है, ये हिस्सा दबा देंगे, केयरफुली दबाएंगे इसको, पूरा अच्छे से अंदर घुसा देंगे। तो हम देखेंगे ये चला गया यहाँ पे, रखते हैं यहाँ पे, ये जो हिस्सा है यहाँ पे आपको जो वायर के कलर हैं वो दिखाई देंगे, तो आप देख सकते हैं। और ये इसके बाद क्या है, हम इसको क्लैंप करेंगे। तो क्लैंप के लिए क्या है,
ये जो पोर्शन RJ45 का हम इसमें अंदर डालेंगे। अंदर डालने के बाद क्या है, इस तरह से लॉक हो जाएगी ये इस तरीके से। उसके बाद हम इसको प्रेस करेंगे। प्रेस करने के बाद क्या होगा, जो दांते दिख रहे हैं ऊपर RJ45 में जो कॉप दांते हैं ये अंदर फंसेंगे और ये इसको लॉक कर देगा। देखिए इसको ऐसे दो एक दो बार अच्छे से प्रेस कर लीजिएगा, उससे क्या होगा अच्छे से लॉक हो जाएगा अंदर। ये लीजिए दोस्तों, अब इसको निकाल लीजिए। तो एक बार फिर से चेक कर लीजिए जो कलर कोडिंग था वो सही नहीं है। तो देखिए कलर कोडिंग के हिसाब से ब्राउन है, वाइट ब्राउन, ग्रीन है, उसके बाद ब्लू है, उसके बाद वाइट ब्लू, उसके बाद वाइट ग्रीन, उसके बाद ऑरेंज, उसके बाद ऑरेंज वाइट, वाइट ऑरेंज। ये हमारा RJ45 क्लैंप वायर में लग गया है। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा दोस्तों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और अच्छा लगा तो लाइक कमेंट और शेयर जरूर करिए। तो वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।